नमो नमः। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः भागवत हरि रूप का जिसका सदा जो चिंतन करे वो अज्ञान भक्ति विराग से वह पूर्ण उससे यम डरे। ममता हटे पिपता घटे सुख संपत्ति घर में भरे व्याप्तम ये चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाया चरणोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इदं विष्णुरवि चक्रामे त्रेधानिराधे कदम समुदामस्या गुरुरे स्वाहा विष्णो राराचामासे विष्णो स्नपते सो ॐ पाया पृथिव्यां पाया ओकाले गोपायो दिव्यान्तरिक्षे पायो रोशनी तो ऐसी रहेगी। पुनः बोल सवा द्वितीया
सद्गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजोऽन्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा नित्रया
यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणा मूर्तये संभोगे विप्रलंभे निरुभयमभयं भाति भूपोरसानां विक्षेपे वा समाधौ विहरण निपुणा ब्रह्म विद्यैव नूनम् इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् बं भ्रमीति वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्री नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् ॐ। कल के प्रसंग में सायंकाल आपको ये सुनाया कि श्रीमद् भागवत की साधना पद्धति क्या है। धर्म मोक्ष के लिए है, धन के लिए नहीं। धन धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं। भोग जीवन के लिए है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। जीवन सत्य की तत्व की जिज्ञासा के लिए है, बहुत से काम करने के लिए नहीं। सत्य वो है, तत्व वो है जिसको ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं और दूसरों को उपदेश भी करते हैं। वो सत्य क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा, क्योंकि इसके मिथ्यात्व का निश्चय कभी नहीं हो सकता। अनुभव के क्षेत्र में कोई ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ। इसी को वेदांती लोग ब्रह्म, योगी लोग परमात्मा और भक्त लोग भगवान कहते हैं। वस्तु एक ही है, नाम अनेक हैं। इसके लिए पहले मनुष्य को पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। जो हृदय को पवित्र करे उसको कहते हैं पुण्य, और जिसके सहारे मनुष्य तर जाए उसका नाम होता है तीर्थ। पुनाति से पुण्य बनता है, पुण्य पौने से, और तरंति अनेना, जिससे लोग तर जाएं उसका नाम होता है तीर्थ। तीर्थ यात्रा में एक पहली भूमिका हुई तीर्थ यात्रा। दूसरी भूमिका क्या है? तो वहाँ जाकर महापुरुषों की सेवा करें। तीसरी भूमिका ये है कि उनके वचन सुने। चौथी भूमिका ये है कि उसमें श्रद्धा हो जाए। पांचवी भूमिका ये है कि उसमें रुचि हो जाए। और छठी भूमिका ये है कि सुनते सुनते भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और हृदय के सारे दोष दूर कर देते हैं। तब रजोगुणी तमोगुणी भाव सातवीं भूमिका में मिट जाते हैं, काम क्रोध आदि नहीं रहते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। आठवीं भूमिका में कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है चित्त की। और नवीं भूमिका में भगवत भक्ति अपना पांव जमा लेती है। और जब भगवत भक्ति अपना पांव जमा लेती है तब दसवीं भूमिका में तत्व विज्ञान हो जाता है। तत्व विज्ञान होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय मिट जाते हैं,
कर्म क्षीण हो जाते हैं, मुक्ति साक्षात इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत को इसी जीवन की मुक्ति अभीष्ट है। हम इसी जीवन में सारे बंधनों से छूट जाएं, हमारे लिए कहीं भी कोई पराधीनता नहीं रहे। स्वातंत्र्यम परमम पदम, परम स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो भक्ति की 10 भूमिका है, मधुसूदन सरस्वती ने यहीं से लेकर भक्ति रसायन में उनका निरूपण किया है। अतः निश्चय ये हुआ कि जो समझदार मनुष्य हैं उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परयाम पर भक्तिम परमयामुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम। इसी से जो विद्वान पुरुष हैं, समझदार हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति में दोहरा लाभ है। एक लाभ तो ये है कि हृदय की वृत्ति होती है भगवदाकार, तो काम क्रोध लोभ के लिए कोई जगह नहीं रहती, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा लाभ यह है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो जैसा है, वो धीरे धीरे अपने हृदय में स्पष्ट होने लगता है। तो जहाँ वेदांत में धर्म उपासना और योग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि की जाती है, अथवा विवेक वैराग्य आदि के द्वारा पहले अंतःकरण शुद्ध किया जाता है और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, अब तत्व ज्ञान होता है। और भक्ति में विशेषता यह है कि एक साथ ही भगवत तत्व का ज्ञान भी होता जाता है और अंतःकरण की शुद्धि भी होती जाती है। तो भक्ति की जो तदाकार वृत्ति है, प्रेम विशिष्ट भगवदाकार वृत्ति का नाम भक्ति है। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे भगवान हमारे अंतःकरण में आते हैं। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम जत् तद हैतुकम। जब भगवान के चरणों में हमारे चरणों के प्रति हमारे हृदय में भक्ति आती है, तब धीरे धीरे वैराग्य और ज्ञान भी हमारे हृदय में आ जाते हैं, जो कि महात्म्य में बताया गया था। भक्ति जो है ये भगवान के साथ जोड़ती है और संसार में जो आसक्ति है उसको छुड़ाती है। हरिसो जोरी सबन सो तोर्यो, मैं अपनो मन हरिसो जोर्यो। तो ये दोनों काम भक्ति जो है वो करती है। जिस संसार में आसक्ति होने के कारण हम काम के बस होकर व्यभिचार अनाचार में प्रवृत्त होते हैं, लोभ के बस होकर के चोरी बेईमानी में प्रवृत्त होते हैं, क्रोध के बस में होकर हिंसा और शत्रुता करने पर उतारू हो जाते हैं, ये जो हमारे जीवन में दोष हैं उनको भक्ति माँ की तरह धीरे धीरे हमारे हृदय को धो पोंछ करके साफ करती है, और उसमें जो हमारे पिता हैं, जगत के पिता, जो न पिता जनिता नो विधाता, जो हमारे पिता हैं, जगत के विधाता हैं, उन प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रेम का उदय होता है। क्या दुर्दैव है, दुर्भाग्य है जगत का कि वो जो हमारे पिता हैं, सबके पिता हैं, उनके प्रति विमुख हो गया है। अब ये कहो कि भाई भक्ति से क्या काम, हम तो धर्म का पालन ही करेंगे। बोले चाहे कितना भी धर्म करो, यदि भगवान के चरणों में प्रीति न हो तो वो धर्म केवल श्रम रह जाता है। श्रम ये वही केवलम केवलम नोत्पादयत् जदिरतिम, श्रम ये वही केवलम। तो धर्म का जो अभिप्राय है, वो धर्म का अभिप्राय तो मोक्ष के मार्ग को सुगम बनाना है, कोई कठिन बनाना नहीं है। इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भगवान जिससे प्रसन्न होए उसका नाम धर्म है। एक सज्जन बंबई में आके पूछने लगे, शायद कथा में बैठे हैं, कि महाराज
हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसका निर्णय हमारे मन में जल्दी नहीं होता है कि ये खाना चाहिए कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि तुम धर्मशास्त्र पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, जो चीज़ भगवान को भोग लगाई जा सकती है वही खाने योग्य होती है, जिस वस्तु का भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता वो खाने योग्य नहीं होती है। अब ये बात अब कितनी सरल कितनी सीधी है हो। परमहंस रामकृष्ण के पास एक सज्जन आते थे, लोगों ने परमहंस जी से कहा, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि महाराज ये शराब पीते हैं इनकी छुड़ा दो। परमहंस जी ने कहा उनसे कि भाई तुम शराब पीना छोड़ दो। बोले ये तो नहीं हो सकता। कहा अच्छा, साल में एक दिन पियो ये भी नहीं हो सकता, कि 6 महीने में पियो, 3 महीने में पियो, 7 दिन में पियो ये भी नहीं हो सकता। कहा अच्छा, उन्होंने कहा परमहंस जी ने कि तुम जब पियो तब भगवान को भोग लगा के पियो। अब वो महाराज शीशी हाथ में लेके भगवान के सामने जाएं तो भोग लगाने की हिम्मत ना पड़े। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आए छटपटाते हुए परमहंस जी के पास कि महाराज ये तो नहीं छूटता है। वो बोले कि 3 दिन जब इसके बिना रह गया तो 3 बरस भी रह सकता है, तू हिम्मत तो कर, जैसे 3 दिन बिना पिए रह गया वैसे सारे जीवन बिना पिए रह सकता है। सो महाराज कितनी सीधी सी बात है कि यदि हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करें तो जैसे अपने मालिक के सामने जाता है तो बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं, बाल ठीक करके जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, ऐसे दुनिया के मालिक के सामने जाना हो तो पवित्र हो करके पवित्र हृदय से जाते हैं। अपने घर में भी भगवान की पूजा होए और उसमें प्रवेश करना होए तो जैसे जूते को पहन के नहीं जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रकार भगवान के दरबार में जब जाना होता है तब मनुष्य अपने को पवित्र करके सजा के संवार के श्रृंगार करके जाता है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करके प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। जो अपने पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, एहसानमंद नहीं है अपने पिता के प्रति, जो अपने स्वामी के प्रति ईमानदार नहीं है, जो जगत पिता के प्रति अपने सच्चे हृदय को नहीं रखता है, उसका जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। सो जब भगवान की भक्ति हृदय में आती है नारायण, तब ये जो गांठ पड़ गई है मन में अपने कि हम ये किए बिना नहीं रह सकते, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, ये गांठ कट जाएगी और ये चीज़ हम भोगे बिना नहीं रह सकते, ये जो गांठ पड़ गई है ये भी कट जाएगी। हो कर्तृत्व की ग्रंथि, भोक्तृत्व की ग्रंथि, और हमको अभी ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, जितनी गांठें हैं सब कट जाती हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान से प्रेम करो। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे भटकते रहोगे, कभी उनसे होगी प्रीति तो कभी उनसे होगी, कभी उसके पराधीन हो जाओगे गुलाम हो जाओगे तो कभी उसके गुलाम हो जाओगे। तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा, जीवन में नहीं रहेगा, किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा। इसलिए एक भगवान से जो बाहर नहीं रहते भीतर ही रहते हैं, जो कभी सोते नहीं हैं, कभी असावधान नहीं होते हैं, कभी कहीं बिछुड़ते नहीं हैं, कभी मरते नहीं हैं, कभी बेवफा विश्वासघाती नहीं होते हैं, ऐसे भगवान जो अपने हृदय में बैठे हुए हैं उस पर विश्वास करो, उस पर उसकी भक्ति करो। आप सच समझो भगवान पर विश्वास करने का नाम अपने ऊपर ही विश्वास करना है, किसी पराये के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आत्मविश्वास भगवत विश्वास माने, आत्मविश्वास भगवत प्रेम माने, आत्म प्रेम और भगवान माने संपूर्ण अपने आप को जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब भगवान का स्वरूप, क्योंकि आत्मा भगवान है। इसलिए भगवान से प्रीति करना चाहिए। सो नारायण,
ये जो सत्व रज तम आदि गुण हैं, ये इन गुणों से ही ये सृष्टि बनी हुई है। ये जो सत्व आदि गुण हैं, इनसे ये सृष्टि बनी हुई है। ठीक है, और भगवान अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट करते हैं। हैं तो वो विश्व के अत्यंताभाव के अधिष्ठान, परंतु जैसे कभी कोई अकेला रहना चाहता है और कभी खेलमेल करना चाहता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ऐसे हम जब सृष्टि में बैठे हैं तब भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? बोले खेलने के लिए बनाई। जैसे खिलौने में किसी को जोड़ते हैं और किसी को बिछुड़ाते हैं, किसी को जिलाते हैं, किसी को मारते हैं। बचपन में हमने देखा कबड्डी खेलते थे महाराज, तो हमारी एक पार्टी मर जाया करती थी और एक जिंदा रहती थी। तो जैसे कबड्डी खेलने में कोई मरता है, कोई जीता है, कोई रोग का अभिनय करता है और कोई आरोग्य का अभिनय करता है, इसी प्रकार ये विश्व सृष्टि भगवान का खिलौना है और इसके साथ वो खेल रहे हैं। तो पहला अवतार होता है जो कारण वारी में शयन कर रहे हैं नारायण, उनका विश्व के रूप में, और विश्व भी भगवान का ही एक नाम है। बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम में तो पहला नाम भगवान का विश्व ही है, ओम विश्वम विष्णुर बषटकारः। ब्रह्म सूत्र में बताया कि जिसको हम गुणमयी प्रकृति कहते हैं, वो गुणों का नाम तो ब्रह्म सूत्र में नहीं है, थोड़ा खंडन भी है, लेकिन ये जिसका नाम प्रकृति है वो प्रकृति ब्रह्म का ही एक नाम है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात्। तो प्रकृति को स्वीकार करके, अध्यारोप अपवाद न्याय से प्रकृति को स्वीकार करके भगवान विश्व के रूप में प्रकट होते हैं और उसमें होते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रूप भी वही ग्रहण करते हैं। तो पहला अवतार है भगवान का ये विश्व प्रकृति, और महदादि के द्वारा जो विराट रूप प्रकट हुआ है सो, और दूसरा रूप है ब्रह्मा, और फिर तीसरे रूप में नारायण वे सनत कुमार आदि के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा के मत्स्य कर्म कूर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतार होते हैं। और यहाँ कहना ये है कि व्यास भी भगवान के अवतार हैं और नारद भी भगवान के अवतार हैं, और व्यास नारद के संवाद के रूप में इस कथा का अवतरण होता है, ये धरती पर उतरती है। तो ये दोनों भी, ये कथा तो भगवनमय है ही, इस कथा को उतारने वाले जो हैं, धरती पर लाने वाले नारद और व्यास, वे भी भगवान के स्वरूप हैं। इसमें एक प्रतिज्ञा वाक्य परिभाषा वाक्य का भी प्रयोग हुआ। वो कहते हैं अन्य चांस पल कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे भागवत के लिए यहाँ भगवान शब्द की व्याख्या हो गई। भागवत भगवान माने, भगवान माने कौन? भगवान माने श्री कृष्ण। अन्य चांस कला पुंसः मत्स्य कूर्म बराह आदि जो हैं भगवान के रूप, मछली का रूप, कछुए का रूप, सुअर का रूप, ये अद्भुत है। जैसे सोने से कोई मछली बनावे और सोने का कछुआ बनावे और सोने का सुअर बनावे और एक सोने पर सब खींच दी जाए लकीरें, ये मछली है, ये कछुआ है, ये सुअर है, लेकिन है तो दरअसल सोने ही। आकृति के भेद से तत्व में भेद नहीं होता, माने सकल सूरत अलग अलग होने से जो असलियत है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बताने के लिए ये सब भगवान के ही रूप हैं, रूप चाहे कुछ भी हो पर वो है भगवान का ही, ये बात बताई जाती है। तो और तो सब हैं अंशावतार कलावतार, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। जैसे एक ही सरोवर से
नाना प्रकार के झरने झरते हैं, इसी प्रकार ये नाना प्रकार के झरने जो हैं वो झरते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान के जन्म कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको जो तत्वज्ञानी लोग हैं वे समझते हैं, और जो इसको प्रेम से समझ ले उसके जीवन में दुख कभी नहीं होगा। हाँ, ये नहीं कि मरने के बाद नरक नहीं मिलेगा, कि ये नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, इसी जीवन में सब दुखों से छुड़ाने वाला ये अवतार का ज्ञान है। सायं प्रातर ग्रहण भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। ये जो हम दुनिया देख रहे हैं ये है क्या? हमने बना रखा है दुश्मन, हमने बना रखा है दोस्त, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। ये हमारे बनाए हुए कैसे हैं, एक इसका उदाहरण देख लो। एक आदमी हमारे सामने खड़ा है, वो मनुष्य है, क्योंकि दो हाथ हैं दो पांव हैं, खड़ा होके चलता है और नई नई योजना बना के योजनाबद्ध कर्म करता है और पाप पुण्य को समझता है। एक मनुष्य है हमारे सामने, कभी हंसता है कभी रोता है। अब वो मनुष्य क्या है, का बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, तो बेटा किसने बनाया, कि बाप ने। अब उसके बेटे ने कहा कि ये हमारा बाप है, तो बाप किसने बनाया, कि बेटे ने। बहन ने कहा कि ये मेरा भाई है, तो भाई किसने बनाया, कि बहन ने। बुआ ने कहा मेरा भतीजा है, तो भतीजा किसने बनाया। नानी ने कहा ये मेरा दौहित्र है, मामा ने कहा मेरा भांजा है। तो वो मनुष्य तो मनुष्य है, उसको लोगों ने अपने अपने रिश्ते जोड़कर अपने संबंध से उसको ये वो सब बना लिया। इसी प्रकार ये परमात्मा जो है वो बिल्कुल एक है, और एक होने के कारण नारायण ये जो नानात्व है कि ये अच्छाई है ये बुराई है, ये औरत है ये मर्द है, ये तो जैसे एक ही सोने पर तरह तरह की लकीरें बना दी गई हों ऐसे है, बल्कि लकीर बनाई हुई भी नहीं है। जोग वाशिष्ठ में तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक सुतार एक बढ़ई जाके किसी लकड़ी को देखे, एक सिल्ली लकड़ी के देखी और उसने सोचा कि इसमें से यहाँ से ये निकाल देंगे तो हाथ बन जाएगा, यहाँ से ये निकाल देंगे तो मुंह बन जाएगा, यहाँ से ये निकाल देंगे तो पांव बन जाएगा। इस तरह से जैसे एक सिल्ली में ही वो मनुष्य की शक्ल देखने लगे, इसी प्रकार हम लोग अपनी वासना के कारण भगवान में ही अनेक रूप देखते हैं। ए तद्रूपम भगवतो ह्य रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर विरचितं महदादि विरात्मनि यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वं आरोपितम बुद्धिभिः। तो ये चिदात्मा जो भगवान है उसका रूप है जो जड़ के रूप में मालूम पड़ता है, क्योंकि चेतन जो है वो जड़ के अत्यंताभाव का अधिष्ठान है नारायण। इसलिए अधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव वाला जो पदार्थ होता है वो मिथ्या होता है, स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्व ही मिथ्या का लक्षण है, और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो जिस समय आप इसको परमात्मा को पहचानेंगे उस समय ये जगत जगत नहीं रहेगा, ये जड़ता जड़ता नहीं रहेगी, ये अनेकता अनेकता नहीं रहेगी, ये सब एक ही भगवान अनेक रूप से मालूम पड़ रहे हैं ये प्रतीति हो जाएगी। वहाँ तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाएगा, माने बिल्कुल मटिया मेट हो जाएगा राग और द्वेष, नफरत और मोहब्बत करने के लिए कोई नहीं, सबके साथ निर्मल व्यवहार हो रहा है ऐसा हो जाएगा। तो जैसे आकाश में बादल आते हैं दिखते हैं, वहाँ ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, हो जैसे हवा में धूल उड़ती है, इसी प्रकार दृष्टा अपने आत्मा में अपने में ही ये दृश्य जो है वो मालूम पड़ता है, और इसको जो सच समझते हैं वे लोग तत्वज्ञ नहीं हैं। ये तो महाराज दुनिया तो लालच दे के चलती है। एक डॉक्टर है वो दीर्घ जीवन की लालच देता है, हम तुम्हारी उम्र बहुत लंबी कर देंगे,
और फिर वो जैसे जैसे कहे का वैसे वैसे करते जाओ, वो जो जो मांगे सो उसको देते जाओ, जो जो मंगावे सो मंगाते जाओ। नारायण, जहाँ तुम्हारे मन में ये हुआ कि हम रसगुल्ला खाएंगे, वहाँ हलवाई की दुकान पर जाना पड़ेगा, उसकी मांगी हुई जो चीज़ है वो देनी पड़ेगी। यही भगवान की माया है। सो नारायण, ये जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म के रूप में मालूम पड़ता है, जब आत्मज्ञान के द्वारा इसका निषेध कर देंगे, मना कर देंगे कि यह ही नहीं, कि ये कैसे है, कैसे निषेध करते हैं, कि अविद्या आत्मनि कृते इति, ये तो हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हैं, इसलिए ये दुनिया हमको सच्ची समझ में आती है। जहाँ ये कल्पना हुई कि अविद्या के द्वारा, अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा, अपने में ही ये दूसरी चीज़ें मालूम पड़ रही हैं, वहीं महाराज अपने आत्मा का दर्शन हुआ। और जहाँ माया देवी भागी, कैसे भागती हैं, प्रमा बन के, सच्ची बुद्धि बन करके भागती हैं, उसी समय ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसमें जिसका जन्म नहीं होता उसके जन्म का वर्णन है, जो कभी कर्म नहीं करता उसके कर्म का वर्णन है, और जो उसके जन्म और कर्म को समझ लेता है वो दुख ग्राम से मुक्त हो जाता है। सो ये सब परमेश्वर की लीला है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करता है वही इसको समझ सकता है, और उसको फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। सौनकादिरिशो, आप धन्य हैं कि आपके मन में ये भागवत सुनने की इच्छा हुई। जिसके मन में भागवत सुनने की इच्छा आ जाए वो धन्य धन्य है, क्योंकि इसमें भगवान के चरित्र का वर्णन है, और व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए इसका गान किया है। इससे जो संपदा चाहो साधन की या लोक की वो भी मिलती है, इसमें परम कल्याण का निवास है। और व्यास जी ने ये बना करके अपने योग्य शिष्य और पुत्र जो आत्मवताम वरम श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनको इसको पढ़ाया, और इसमें संपूर्ण वेदों का सार आ गया है। यदि आप चारों वेद न पढ़ सकें तो भागवत पढ़ लें, यदि सारा इतिहास न जान सकें सृष्टि के आदि से अब तक तो इसको पढ़ लें, इसमें सारे वेद का सार है, इसमें सारे इतिहास का सार है। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका ग्रहण कराया। शुद्धम कायति गायति, जो शुद्ध गान करता है जैसा सुना है वैसा ही सुना दे, अथवा शुक्लम परमात्मानम गायति इति शुकः, जो महाराज परमात्मा का गान करे उसका नाम होता है शुक। और परीक्षित माने जो सब में भगवान को देखता है। पर्यक्षत इति परीक्षितः परीक्षित वा, नारायण जो चारों ओर परमात्मा का दर्शन करे उसका नाम परीक्षित। सो महाराज, जब भगवान राजा परीक्षित अनशन करके बैठे हुए थे गंगा तट पर, तब सुखदेव जी ने उनको ये सुनाया था। जब श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए, वैसे भगवान कहीं आते जाते नहीं हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, इतना ही फर्क है। जो अज्ञानी लोग हैं, नासमझ लोग हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, और जो ज्ञानी समझदार लोग हैं उनको तो सोते जागते सपना देखते हर समय भगवान का ही दर्शन होता है, क्योंकि भगवान के सिवाय दूसरा कोई तो है ही नहीं। अब लोग भगवान का दर्शन कर कैसे करें, कैसे उनको मालूम पड़े कि भगवान कहाँ हैं, कब हैं, क्या हैं? तो वो दिखाने के लिए ये पुराण रूप सूर्य प्रकाशमान श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्को धुनोदितः, ये अर्क जो है, अर्क माने सूर्य, अर्च्यते इति अर्क्यः, अर्क अर्कः, जिसकी पूजा की जाए, जो पूज्य होता है उसको कहते हैं सूर्य। ये प्रकाशमान और परमादरणीय श्रीमद् भागवत पुराण उदय हुआ है। सो नारायण, सूत जी ने बताया
कि देखो हमने भी ये अपने मन से आपको नहीं सुनाया। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे भागवत, तब मैं भी वहाँ गया और सुखदेव जी को नमस्कार करके उनसे अनुमति ली कि मैं भी महाराज ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहा हूँ हमारी गुरु परंपरा में, हमको ये गुरु से मिला हुआ ज्ञान हो जाए, निगुरा ज्ञान न रहे, इसके लिए आप अनुमति दीजिए। ये जो किताब पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो जाते हैं महाराज, लेबोरेटरी में प्रयोग करके ज्ञानी होते हैं। भला बताओ लेबोरेटरी में मशीन के नोक पर जड़ आवेगा कि चेतन आवेगा? नारायण मशीन की नोक पर तो हमेशा दृश्य आवेगा, जड़ आवेगा, कभी दृष्टा तो आ ही नहीं सकता। और बिना आत्मज्ञान के कभी किसी को शांति नहीं होती हो। हमने देखा बड़े बड़े संपन्न लोग जो हैं वो भी रोते हैं, उनको उन्हें भी दुख होता है, आज नहीं तो कल होता है, कभी बाप मरने का होता है, कभी बेटा मरने का होता है, कभी पत्नी से लड़ाई हो जाती है, कभी पैसा जाता है, कभी शरीर में रोग होता है। दुख तो चाहे अपने को जितना बड़ा दिखाओ दुनिया में, जब ये जीव ईश्वर के घर से चलने लगा संसार में आने के लिए, तो इसने जरा मुड़ के भगवान की ओर देखा, बोले भगवान को छोड़ के जाने में तो बड़ा दुख है। कहाँ भाई दुख तो है, कब कहीं जाके मैं संसार में फंस न जाऊं। तो भगवान ने कहा ये दुख अपने साथ लेते जाओ। नारायण एक चुटकी दुख जीव की छट्टी में डाल दिया भगवान ने, वो जहाँ जाएगा जहाँ रहेगा, जब तक वहाँ से लौट के भगवान के पास नहीं आवेगा तब तक उसके दुख की निवृत्ति नहीं होगी। सूत जी ने कहा मैंने सूत जी से, निगुरा नहीं हूँ मैं, मैंने गुरुदेव से सुखदेव जी से ये श्रीमद् भागवत पढ़ा है, और जैसा पढ़ा है वैसा उन्हीं का ज्ञान, और यथामति जैसा मैंने समझा वैसा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। सो महाराज अब सौनक जी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि सूत हमको ये भागवत कथा जो है, भागवता नाम भक्ता नाम पुराणम भागवत पुराणम भगवत ही में भागवता भक्ता, जो भगवान के भक्त हैं उनका चरित्र सुनाओ, अथवा भगवान ने स्वयं जो अपने मुंह से सुनाया है उसको सुनाओ, किस कारण से किस स्थान में व्यास जी ने इस कथा का निर्माण किया, ये कथा लिखी कैसे व्यास जी ने। और सुखदेव जी जो हैं ये तो बड़े विरक्त हैं महाराज, एक जगह कभी रहते ही नहीं, उन्होंने कैसे ये कथा पढ़ी और नारायण कैसे राजा परीक्षित को आकर के सुनाई, क्योंकि किसी राजा रईस से उनका कोई संबंध तो है नहीं, न कुछ लेना है न कुछ देना है। और साधु महाराज सेठों के घर में तो तभी जाते हैं जब उनको कोई चंदा वंदा करना होए और कुछ लेना देना होए, और जिनको कुछ लेना नहीं देना नहीं और नारायण कुछ रखना नहीं, जिनके पास एक पोटली नहीं एक गांठ नहीं, वो किसी के किसी राजा महाराजा को कथा सुनाने के लिए क्यों गए? कि ये एक प्रश्न है। सो मैंने तो सुना है कि वो गांव में जाते हैं तो किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर करीब करीब 8 मिनट रुकते हैं कि वहाँ गाय का दूध मिल जाए तो पी लें। अब वो राजा परीक्षित को 7 दिन तक कैसे भागवत सुनाते रहे? और ये भी एक प्रश्न है कि राजा परीक्षित तो बड़े भारी भागवत थे, भगवान के भक्त, अब वो अनशन करके कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं गंगा जी के किनारे जाके क्यों बैठे? क्योंकि उनके पास तो बड़े बड़े राजा महाराजा कोई कमी तो थी नहीं, वो तो सम्राट थे पृथ्वी के, और अर्जुन ने जिस पर दिग्विजय प्राप्त की थी, धर्म राज युधिष्ठिर ने जिस पर राज्य किया था, श्री कृष्ण ने जिनकी स्थापना की थी नारायण, उस राज्य पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे, उनको क्या ऐसी कमी थी कि वो राज्य छोड़ करके और चले गए और गंगा किनारे बैठ गए? सो ये सब हमको आप बताइए। एक बात है कि यदि आप हमको ये बताने के योग्य समझते हो तब तो बताइए, और यदि मैं ये सुनने के योग्य नहीं हूँ तो मेरा पूछना ही महाराज गलत है। सो जब इस प्रकार राजा
ये सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने बताया कि द्वापर की अंत का समय था और व्यास जी महाराज जो हैं वो बद्रीनाथ के ऊपर जो माना ग्राम है उसको बोलते सरस्वती नदी वहाँ बहती है, अंतःसलिला सरस्वती। ये सरस्वती नदी का जो वेदों में पुराणों में वर्णन है वो बहुत अद्भुत है। हो वो कहते हैं पंच नद्यः सरस्वतीम अपियन्ति सस्रोतसः, सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत सरित। ये जो हमारी पांच नदियां बहती हैं इंद्रियों से जो ज्ञान की धारा बहती है, ये बाहर से विषयों का ज्ञान ले लेकर भीतर बहने वाली जो सरस्वती है उसको ले जाकर देती हैं। और असल में वो सरस्वती ही नदी है क्योंकि नदति नारायण वही सरस्वती इंद्रियों से ज्ञान लेकर और फिर शब्द करती है, बोलती है, वाणी के रूप में निकलती है। तो ज्ञान का सरस्वती के पास पांच नदियों का ज्ञान लेकर सरस्वती में मिलाना और सरस्वती का वाणी से निकलना, ये जो व्यवहार हो रहा है, ये जो बाघ देवता है नारायण बैखरी और मध्यमा और पश्यंती और परा हमारे हृदय में, उस वाणी का व्यवहार श्री व्यास जी महाराज करते हैं। इसी से सुखदेव को बोलते हैं शब्द रूप, क्योंकि शब्द से ही ज्ञान होता है। नारायण परीक्षित जिज्ञासु को, परीक्षित रूप जिज्ञासु को ज्ञान किससे होता है, कि सुखदेव रूप शब्द से। और वो किसके पुत्र हैं, कि बाघ देवता रूप व्यास के पुत्र हैं। और व्यास किसके हैं, कि नारद रूप समष्टि भगवान मन के नारायण शिष्य हैं। और नारद कौन से हैं, कि बोले ब्रह्मा समष्टि जो अंतकरण है हिरण्यगर्भ का उसके पुत्र हैं। और हिरण्यगर्भ कौन है, का अंतर्यामी नारायण के पुत्र हैं। तो ज्ञान की परंपरा क्या हुई कि आत्मस्वरूप ज्ञान वो अंतर्यामी नारायण के रूप में व्यक्त रहता है, वहाँ से अंतकरण में ब्रह्मा में आता है, बुद्धि में आता है, और वहाँ से फिर मन रूप नारद में आता है, वहाँ से वाणी रूप व्यास में आता है, और व्यास से शब्द रूप सुखदेव में आता है। सो नारायण व्यास जी महाराज स्नान करके, स्नान तो क्या करते बद्रीनाथ के ऊपर, बहुत ठंडी जगह सी थी, सो महाराज आचमन कर लिया, आचमन कर लिया, आपह उपस्पृश्य उन्होंने जल का स्पर्श किया, क्योंकि हिमालय की जो वायु है वही स्नान करा देती है, वहाँ जल से स्नान करने की उतनी जरूरत नहीं रहती है, वहाँ की वायु पवित्र है। एकांत देश में बैठ गए और बैठ करके उन्होंने देखा कि समय का प्रभाव, काल का प्रभाव कैसा पड़ रहा है दुनिया में, वस्तुओं की शक्ति जो है वो घटती जा रही है, और लोगों में कष्ट उठा करके अपने धर्म पालन की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि इस युग में तपस्या का जितना ह्रास हुआ है, कि हम एक नियम लें और उसके पालन करने में यदि तकलीफ होए तब भी उसका पालन करें, नारायण ये जो वृत्ति लोगों की थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई। वो तो चाहते हैं कि हम पलंग पर सोते रहें और टीवी में भगवान आवें वहीं उनका दर्शन कर लें, और नारायण वो तो चाहते हैं कि रेडियो गावे, टीवी गावे और हम लेटे लेटे उसको सुनते रहें। कोई संगीत सुनने के लिए या सीखने के लिए श्रम उठाना नहीं चाहता, भगवान का दर्शन करने के लिए, लीला देखने के लिए कोई तपस्या करना नहीं चाहता। और असल में जिसमें कष्ट उठाने की शक्ति नहीं है उसमें संकल्प की दृढ़ता भी नहीं है, और जब संकल्प की दृढ़ता नहीं है तो कोई भी ऐसा काम, बढ़िया काम, बड़ा काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो काम करने जाएगा जरा सी बाधा पड़ेगी, और बाधा पड़ेगी तो कह देगा छोड़ो इस झंझट में कौन पड़े। असल में जो तकलीफ नहीं उठा सकता दुनिया में वो कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता। जितनी भी सिद्धि हुई है, पीडोद्भवा सिद्धयः, संसार में जितनी भी सफलता मिली है वो तकलीफ उठाने वालों को मिली है, बिना तकलीफ उठाए दुनिया में कोई सिद्धि नहीं मिलती है। देखा उन्होंने
कि तपस्या करने की जो शक्ति है उसी का क्षय होता जा रहा है और लोग क्या हो रहा है लोगों में कि अभागे हो रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता उपद्रुता, स्वयं तो मंद है, मंद है माने आलसी है। हो जो अपने रास्ते में बहुत धीरे धीरे चलता है ना, शनिश्चर को मंद बोलते हैं, क्योंकि सवा दो दिन में चंद्रमा जितना चल लेता है शनिश्चर उतना ढाई वर्ष में चलता है। अब कहाँ सवा दो दिन और कहाँ ढाई वर्ष, इसीलिए ग्रहों में शनिश्चर का नाम मंद है। तो आजकल लोग आलसी हो गए हैं, इसका मतलब ये है। जिसको अपने काम में रस नहीं आता उसको कहते हैं आरस, और र का ल हो जाता है तो उसको बोलते हैं अलस, व्याकरण के नियमानुसार रले और अभेदहा। और अलसस्य भावः आलस्य, जब अपना काम करने में आदमी को मजा नहीं आता है तब वो बेमन के करता है, और बेमन के करता है तो न तो शरीर में शक्तियों का जागरण होता है, पूरे मन से काम करने पर शरीर में ताकत और पैदा होती है और नारायण कर्म में सफलता मिलती है। तो अपने शरीर का तमोगुण नष्ट होवे और कर्म में सफलता मिले इसके लिए नारायण मंदता नहीं चाहिए, तीव्रता चाहिए अपने साधन की प्राप्ति में। सो महाराज, एक तो लोग हो गए मंद, अच्छा कच्छा भाई बुद्धि हो ठीक हो तो आलसी लोग भी काम बना लेते हैं, का बुद्धि भी ठीक नहीं है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है। और नारायण का अच्छा भाग्य हो ठीक तो का भाग्य भी अच्छे नहीं है, और जीवन में उपद्रव बहुत लगा हुआ है, कहीं जाते हैं कोई काम करने के लिए, नारायण गोवा में व्यापार करने के लिए गए वहाँ ब्याह कर लिया, नारायण पेरिस में गए व्यापार करने के लिए वहाँ शराब पीने लग गए, अमेरिका में गए वहाँ से लौट के आए ही नहीं। तो नारायण इस तरह से अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि, अपना धर्म, अपना देश, अपना वेश का ये सब जो है ये छूट जाता है। क्यों छूटता है? का आसक्ति होने के कारण छूट जाता है। व्यास जी महाराज सोचने लगे कि संसार की तो ये स्थिति है, अब हम इसके कल्याण के लिए क्या करें। कि जहाँ तक हुआ हमने अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनका आदर किया, नारायण वेद का जो ज्ञान परंपरा से हमको प्राप्त है उसका हमने सत्कार किया, और मैंने निष्कपट हृदय से उसका आचरण भी किया, और सबके कल्याण के लिए मैंने महाभारत में उसको प्रकट भी कर दिया। महाभारत ऐसा ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में महाराज कि यदि विश्व की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना हो आपको तो महाभारत पढ़िए। जिसने महाभारत नहीं पढ़ा उसको भारत का ही ज्ञान नहीं होगा, विश्व का ज्ञान तो कहाँ से होगा। महाभारत में जितने भी पात्र हैं, जितने भी आदमी हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो हमारे मन के जितने भी पर्दे होते हैं, जितनी भी परत होती है उसको खोल देने के लिए हैं। वहाँ एक आदमी नहीं है, वहाँ कर्ण नहीं है, हमारे मन की एक परत है, अर्जुन नहीं है, हमारे मन की एक परत है। जो कुछ महाभारत में है वही हमारे अंतःकरण में है, हमारे मन में है, उसके रूप में व्यास जी ने सब कुछ प्रकट कर दिया। फिर भी व्यास जी कहते हैं मुझे संतोष नहीं है। तो ये असंतोष क्यों है? असल में जब तक मनुष्य के मन में संतोष नहीं हो तब तक उसने अपना काम ठीक ठीक किए ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए कोई काम करते हैं संतोष हो जाता है वो। नारायण संतोष क्या होता है? कब गुड़ खाने की इच्छा हुई या एक काम करने की इच्छा हुई उसको कर लिया, तो करने के बाद क्या हुआ, खाने के बाद क्या हुआ, एक क्षण के लिए कोई दूसरी इच्छा का उदय, दूसरी वासना मन में नहीं आई, और नहीं आई तो मालूम पड़ा हो अब हम सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन तीसरा क्षण आते आते फिर दूसरी वासना पैदा हो जाती है और फिर आदमी व्याकुल हो जाता है, भूखा नंगा हो जाता है। जो वासना जिसके हृदय में भरी हुई है वो तो भूखा है, वो तो प्यासा है, वो तो नंगा है, वो तो दरिद्र है। क्यों? का जो चीज़ नहीं है अपने पास उसी के लिए तो वो व्याकुल है ना,
वासना माने अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन। सो नारायण यत्कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। जब तक आपका मन अपने आप में संतुष्ट नहीं है तब तक दूसरे लोग आपको समझे बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत धनी हैं। अरे बाबा, जब तुम्हारे मन में संतोष ही नहीं है तो तुम्हारा बड़प्पन किस काम का। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रहा। जिसके हृदय में लालच बनी हुई है, ये करेंगे, ये पावेंगे, ये लेंगे, वो लालची आदमी जो है सतु भवति दरिद्रो, वो तो दरिद्र है। यदि अपना मन संतुष्ट है तो नारायण कौन दरिद्र है और कौन धनी है। जितना हमको चाहिए, पहनने को कपड़ा मिल गया, खाने को भोजन मिल गया, जो करना है उसको निर्द्वंद होके बिना दुविधा में पड़े बिना उलझन के करते जा रहे हैं, असंतोष किस बात का। सो नारायण, फिर भी नारायण व्यास जी के मन में असंतोष। इसी बीच में क्या हुआ कि भगवान का जो मन है नारद, नारायण नरावच्छिन्नम चैतन्यम नारम, नरावच्छिन्न जो चैतन्य है, आत्मा है, उसको कहते हैं नारद। तद ददाति इति नारदः, उस नरावच्छिन्न चैतन्य को ही जो तत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं उनका नाम नारद। और आके बोले व्यास जी, तुमने तो बहुत काम किया दुनिया में, फिर भी मालूम पड़ता है कि तुमको अभी संतोष नहीं हुआ है। इतना बड़ा ज्ञान तुमको प्राप्त है जिससे महाभारत बना दिया, और फिर भी देखने से मालूम होता है कि तुम नारायण असंतुष्ट हो, तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। व्यास जी ने कहा कि सही बात है महाराज, मेरे मन में अभी संतोष नहीं है, लेकिन आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारायण के शिष्य हैं और तीनों लोक में विचरण करते रहते हैं सूरज के समान। असल में सूरज ही सबसे पहला भगवान का शिष्य कर्मयोगी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। भगवान का कर्मयोगी शिष्य के पहला कौन का सूर्य, वो सबको रोशनी देता है और कभी विश्राम नहीं करता है। सूर्य के जीवन में विश्राम नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। जैसे सूर्य कल्याण के मार्ग में विचरण करते रहते हैं, ऐसे नारद जी भी दूसरों के प्रति आत्मा परमात्मा का प्रकाश करते हुए कल्याण के मार्ग में विचरण करते रहते हैं। सो आप बताइए कि हमारे अंदर कमी क्या है, क्योंकि अपनी कमी आदमी को दिखती नहीं है। इसका कारण क्या है, जिससे प्रेम होता है उसका दोष नहीं दिखता है, और जिससे द्वेष होता है उसमें दोष ही दोष दिखते हैं। तो आदमी का अपने शरीर से, अपने जीवन से इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्रेम होता है कि अपना दोष उसकी नज़र में आता ही नहीं है। बसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि, वस्तु में गुण दोष का निवास नहीं है, राग और द्वेष में ही गुण दोष का निवास है। ये भरभारवी का वचन है। तो आदमी अपने शरीर से, जीवन से तो बड़ा प्रेम करता है, इसलिए अपनी गलती अपने को मालूम नहीं पड़ती। शास्त्रों में लिखा है कि आदमी अपने अच्छे काम को तो छाती पर लिख के, बैनर लगा के अपनी छाती पर लिख के चलता है, पढ़ भी लेता है और दूसरों को दिखा भी देता है, लेकिन जो अपनी गलतियां होती हैं उनको पीठ पर रख देता है। और अपने को तो अपनी गलती दिखती नहीं है। अधर्म का निवास पृष्ठदेश पर है और धर्म का निवास वक्षस्थल पर है। नारायण, अब यदि कोई उसके पीछे होए, गाइड करने वाला होए, देखे कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब महाराज मालूम पड़े कि इसके अंदर गलती क्या है। सो महाराज, हमको हमारी गलती नहीं मालूम पड़ती। नारायण नारद जी, आप बताइए, स्नातस्य में न्यून मलम विचक्ष्व, इतना पढ़ा लिखा, इतनी तपस्या की और इतनी महाराज ब्रह्म निष्ठा बनाई, लेकिन हमारे अंदर गलती क्या है वो मालूम नहीं पड़ती। नारद जी ने कहा,
कि देखो व्यास, तुमने अर्थ का वर्णन किया। अर्थ माने आप जानते हैं धन दौलत, जो संपदा बाहर रहती है, धरती पर रहती है, बैंक में रहती है, तिजोरी में रहती है, जेब में रहती है, उसको अर्थ कहते हैं। हो वो यर्ति गच्छति, वो चलती फिरती रहती है तब तो अच्छी रहती है, और एक जगह जब जम जाती है तब बिगड़ जाती है, इसी को अर्थ कहते हैं। यर्ति इति अर्थः, अथवा अर्थ्यते इति अर्थः, जिसको हम चाहते हैं उसका नाम होता है अर्थ। का ठीक है, आपने अर्थ का भी वर्णन किया। अब धर्म जो है नारायण, काम जो है वो कहाँ रहता है? का वो मन में रहता है। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें हमारा रस है, इसमें सुख है। कल आपको सुनाया था कि एक बुढ़े सेठ ने कहा कि उस जवान लड़की से अगर हमारी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। लोग अपनी बेटी को नारायण, अपनी बेटी के प्रति भी मोहित हो जाते हैं, अपनी बहू के प्रति भी मोहित हो जाते हैं नारायण। ऐसी ये काम मन में ऐसा है कि कब कहाँ किसके प्रति उदय हो जाएगा। बाबू आप बुरा मत मानना, आप अपने मन का ही अनुसंधान करना कि आपके मन में कहाँ कहाँ किसके किसके प्रति कामना का उदय होता है। तो बाहर रहता है धन और मन में रहता है काम। अब बुद्धि में रहता है धर्म। यदि बुद्धि में धर्म की भावना रहे तो मन को रोक लें कि बाबा ऐसा मत सोच, धन के बारे में सोच लें कि ये धर्म, ये धन मत ले, ये लेने लायक नहीं है। मैंने तो एक ब्राह्मण देखा काशी में महाराज, रुपया बांटने का एक बार काम था, दक्षिणा देने का काशी में, तो बहुत से ब्राह्मण, बहुत से पंडित मैंने बुलवाए थे। उनमें से केवल कोई 500 पंडितों में से केवल एक पंडित आया और उसने हमसे कान में कहा कि स्वामी जी, हम ऐसे किसी से कुछ नहीं लेते हैं, दान नहीं लेते हैं हम। कहा तब कैसे लोगे भाई? मैंने कहा तुम देने का उपाय बताओ, कहा हमसे एक दुर्गा पाठ करवा लो, हम दक्षिणा ले लेंगे दुर्गा पाठ की, लेकिन जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम मुफ्त में तुमसे नहीं लेंगे। वो बात अभी तक हमको याद आती है। रुपए तो थोड़े ही बांटने थे, उस समय तो कमलाकांत मिश्र भी आए थे, रामानुज ओझा आए थे, भागवती जी आए थे, नारायण रघुनाथ शर्मा आए थे, सब काशी के बड़े बड़े। दो पंडित बड़ों में से नहीं आए थे उस समय, एक तो राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ और एक सभापति उपाध्याय, बाकी सब के सब पंडित आए थे नारायण। तो ये जो हमारा जीवन है ना, इसकी तरफ दृष्टि डालने की है। यदि मन में संतोष नहीं होता है तो ये सब व्यर्थ है। तो बाहर रहता है अर्थ, मन में रहता है।